मोदी आडवाणी द्वारा नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का लोकार्पण। मुख्यमंत्री चौहान से पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने की मुलाकात। और पंचायत और ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव ने पैक्स और 15 सहयोगी स्वैच्छिक संगठन द्वारा सामुदायिक नेतृत्व पर केंद्रित 2 दिवसीय जन उत्सव को किया संबोधित। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौधरी। मालवांचल सहित मध्य प्रदेश आज 2 पवित्र नदियों नर्मदा और क्षिप्रा के ऐतिहासिक मिलन का साक्षी बना। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने क्षिप्रा के उद्गम स्थल मुंडला दोस्तार उज्जैनी में 432 करोड़ रुपए लागत से बनी मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का लोकार्पण किया। आडवाणी का कहना था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 नदियों को जोड़कर अद्भुत करिश्मा कर दिखाया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 2 नदियों का ये संगम देश का नया तीर्थ स्थल बनेगा। आगामी सिंहस्थ में भगवान महाकाल का अभिषेक अब पवित्र नर्मदा जल से होगा। यह परियोजना केवल 14 महीने की अल्प अवधि में पूरी हुई है। आडवाणी ने कहा कि जब भी मध्य प्रदेश आता हूं, सदैव मुख्यमंत्री चौहान द्वारा मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए किए गए नए नए प्रमाण मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अभी 14 माह पहले क्षिप्रा सूखी हुई थी, मालवा को मरुभूमि बनने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। यह परियोजना मालवांचल के लिए फलदायी होगी। आगे काली, सिंध, पार्वती और गंभीर नदियों को नर्मदा से जोड़ने शिवराज के संकल्प से पूरे मालवा को जल मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना के माध्यम से नर्मदा का पानी मालवा की किस्मत बदलने आया है। इससे मालवा के एक बड़े क्षेत्र को सिंचाई पानी के लिए और उद्योगों के लिए पानी मिलेगा। मालवा की धरती का भूजल स्तर बढ़ेगा और एक बार फिर मालवा में डगडग रोटी और पकपक नीर होगा। उन्होंने कहा कि आज मालवा की धरती पर नर्मदा को लाने का सरकार का संकल्प पूरा हुआ है। राजस्व और पुनर्वास मंत्री रामपाल सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे ओला प्रभावित किसानों के खेत की फसलों का आकलन शीघ्र करवाएं। सभी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारियों का संयुक्त दल बनाकर असमय हुई वर्षा से हुए नुकसान का स्थल निरीक्षण करें और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 6(4) के तहत मुआवजा निर्धारित कर भुगतान की कार्रवाई करें। राजस्व मंत्री रामपाल सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फसलों का आकलन ग्रामवार हल्कावार किया जाए। उन्होंने कहा कि ओले के अलावा जिन किसानों की फसलों को तेज हवा और पानी के कारण नुकसान पहुंचा है, उसकी जानकारी भी संकलित की जाए ताकि उन्हें भी यथासंभव सहायता प्रदान की जा सके। गौर जेल मंत्री बाबूलाल गौर ने आज केंद्रीय जेल में बंदियों और उनके परिजनों से मुलाकात के लिए नई व्यवस्था का शुभारंभ किया। मुलाकाती कक्ष में इंटरकॉम सुविधा के साथ शुरू हुई इस व्यवस्था में बंदी और उनके मुलाकाती एक दूसरे को देखते हुए सीधे बात कर सकेंगे। पहले बंदी और मुलाकाती के बीच जाली होती थी, अब जाली नहीं रहेगी। अधीक्षक केंद्रीय जेल भोपाल MR पटेल मौजूद थे। बाबूलाल गौर ने जेल के 2 कक्ष में अलग अलग हवालाती और बंदी कैदियों के लिए इस सुविधा का शुभारंभ किया। इस व्यवस्था में बंदी और मुलाकाती के बीच पारदर्शी कांच लगाया गया है। इससे बंदी और मुलाकाती एक दूसरे को आमने सामने देख सकेंगे, वहीं एक दूसरे की बातें ठीक तरह से सुन सकेंगे और कर सकेंगे। इसके लिए इंटरकॉम की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह व्यवस्था कारगर है। गुड गवर्नेंस के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। सभी जिला कलेक्टर, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भी गंभीर चुनौती के रूप में ले, ये बात आयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर परशुराम ने आज ग्वालियर में ग्वालियर चंबल संभाग के नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तैयारी की समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में उपयोग में लाई जाने वाली EVM के भंडारण की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए EMSTV.in के साथ। नमस्कार।